भक्षण कपाली हम कपाल तोर कपाली हम नहीं है कोई मनुष्यों का लक्षण क्योंकि हम करते हैं आत्माओं का भक्षण कपाल तोर कपाली ता क्यों इतना व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो मेरी आंखों में देखो मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाता हूं मैं तो पिछले जन्म में शरद था यदि ये बात मनुष्य को पता चल गई तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे मुझे अपनी प्राण बचाने के लिए मनुष्यों से छुपकर रहना होगा अब तुम सब अपने वर्तमान को भूलकर अपने अतीत के पापों से घिर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे चेतन और अवचेतन के मध्य की दूरी सदा सदा के लिए मिटा दूंगा मैं पिछले जन्म में असुर था मनुष्यों ने ही मेरा वध किया था मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा कोई मुझसे नहीं बच सकेगा मैं पिछले जन्म में भेड़िया था और ये मनुष्य ही मेरे भोजन थे आज मुझे स्मरण हुआ आनंद धर्म में नहीं अधर्म में है आज मैं पूरे करूंगा पिछले जन्मों के सारे अधर्म को अब केवल वही जीवित रहेगा जो असुरत्व को स्वीकार करेगा जो पिछले कर्म के धर्म को धारण करेंगे उसे ऐसी असुर प्रवृत्ति के मनुष्य स्वयं मार डालेंगे नीलांचल पर्वत उत्तर पूर्व दिशा सती का खंडन इसका अर्थ है कि गंगा सुचित दिशा में जा रही है असुराज, अब आपको शीघ्र अति शीघ्र गंगा को रोकना होगा उसकी चिंता मत करो मैदानव उसकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूं गंगा खंडित शक्ति को खोजने जा रही है ना तो मैं तारकासुर पहुंचाऊंगा उसे उसके पास उसकी मृत्यु के पास और इस शुभ कार्य को करेगा नर्क की नारकीय शक्तियों से बना नरकासुर यदि आप सबको भोजन चाहिए तो आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं किंतु पहले आपको हमारी सहायता करनी होगी सहायता तो हम तुम्हारी अवश्य करेंगे किंतु भक्षण करने के पश्चात हम कोई फल थोड़ी ना जो आप सब हमारा भक्षण करेंगे वैसे भी अभी नीलांचल पर्वत पर जाना है इसलिए आप सब हमें इससे मुक्त कीजिए बालिके सर्वप्रथम हम तुम्हारी आत्मा का भक्षण करेंगे उसके पश्चात तुम्हारा ये व्यर्थ शरीर दुखों और कष्टों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएगा किंतु आत्मा तो अजर अमर होती है तो भला
आत्मा का भक्षण कैसे कर सकते हैं? आत्मा ही है हमारा जीवन, इसीलिए हम करते हैं आत्माओं का भक्षण। किंतु कपाल तोड़ कपाली काका, यह धर्म है। यदि आप हमें इस पिंजरे से मुक्त करेंगे तो हम आपको धर्म के मार्ग पर चलना सिखा सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है स्वयं को जीवन देना, इसलिए हम बिना विलंब किए करेंगे तुम्हारी आत्मा का भक्षण। इसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसका भक्षण करके हम सहस्त्र वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ले चलो। भोजन के लिए न जाने इन्होंने कितने लोगों का जीवन लिया होगा। इन्हें रोकने से पहले हमें इनकी कपाल क्रिया को समझना होगा, ताकि हम इन्हें अधर्म करने से सदा सदा के लिए रोक सके। गंगा, कहाँ है आप गंगा? पूरा वन खोज लिया परंतु गंगा कहीं नहीं मिली। अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे उन्हें शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तो उस बरगद के पेड़ के समीप से आ रही है। मुझे उधर जाना होगा। गंगा, गंगा ने कहा था कि इस बरगद के वृक्ष के समीप एक कुटिया है। मुझे तो लगता है कि ये सारा रेस उस आलोपित हुई कुटिया का ही है। यह तो कपालियों का स्वर है जो मनुष्य की आत्मा को खाते हैं। मुझे शीघ्र अति शीघ्र गंगा को ढूंढना होगा। ओम। बालके, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। बालिका, जैसे कपाल अग्नि में जाकर फटेगा वैसे ही तुम्हारा भी कपाल फट जाएगा और तुम्हारी आत्मा की बाहर आने का मार्ग खुल जाएगा। कपाली काका, हम आपको एक अंतिम अवसर देते हैं। हमारी बात मान लीजिए, हमें बुक कर दीजिए भक्षण। उसके पश्चात आपको जीवन यापन करने के लिए ये कपाल क्रिया नहीं करनी होगी। हमारी चिंता छोड़। अपनी चिंता कर बालिके, क्योंकि जैसे ये कपाल फटेगा वैसे ही तुम्हारी आत्मा हमारे पेट में होगी। भक्षण भक्षण भक्षण, ये कैसा स्वर है? अवश्य वह नादान गंगा इसी खंडन में होगी, स्वयं का ध्यान भी नहीं रख पाती वह। मुझे इन मनुष्यों से छिपके रहना होगा, अन्यथा ये मनुष्य मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पिछले जन्म में राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया था, इस बार मैं दूंगा राजा को मृत्यु दंड। धीरे धीरे मनुष्यों के हृदय में है
अहिंसा और अधर्म जागृत हो रहा है। अभी तो आपने शिव तत्व का केवल प्रथम बाण ही चलाया है, जब शिव के आठों रहस्य इसी प्रकार मनुष्य के धर्म का नाश करेंगे तब कितना आनंद आएगा, और तब चारों दिशाओं में होगी केवल असुरों की ही जय जयकार। विद्याधर, जब चंद्रमुखासुर के समान ही मैं शिव के अन्य सातों रहस्यों को भी धर्म विमुख कर दूंगा, तब इस समस्त संसार के जीव स्वयं ही असुरत्व को स्वीकार कर लेंगे। किंतु इससे पूर्व कि वो आप नाशनी गंगा खंडित शक्ति को जागृत करे, मुझे ये कार्य शीघ्र करना होगा। आप निश्चिंत रहे मैं दानव, क्योंकि असुर राज तारकासुर पाताल लोक ही गए हैं, उस गंगा की शुभ शक्तियों का अंत करने वाले नरकासुर को लाने। नरकासुर, कहाँ हो तुम? असुर की जय हो। आज्ञा दीजिए असुरराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नरकासुर, तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। सती की खंडित शक्ति को यहाँ नर्क में लाना होगा, ताकि मनुष्य और देवों का जीवन और नरकीय हो सके। सती की खंडित शक्ति? असुरराज, आपकी दी हुई शक्तियों से मैं देख पा रहा हूँ कि सती की खंडित शक्ति इस समय नीलांचल पर्वत पर है। हाँ नरकासुर, किंतु शक्ति को जागृत करने के लिए पुण्य की देवी गंगा भी उसी मार्ग पर है, इसलिए तुम्हें वो कार्य उससे पूर्व करना होगा। आप चिंता मत कीजिए असुरराज, नरकासुर के मार्ग में जो भी आएगा मैं उसके पूरे जीवन को नर्क बना दूंगा, चाहे वो पुण्य की देवी गंगा ही क्यों ना हो। गंगा, भक्षण बंद करो ये! बंद करो ये! डमरू की ध्वनि। काका, कितना तो आनंद आ रहा है। मैं डम 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 बजा रहा था, और ये सब भक्षण भक्षण गा रहे थे,
चलो मैं डम 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 करता हूँ, तुम लोग भक्षण भक्षण गाओ। अब ये गाएंगे नहीं, अपितु खाएंगे। अब इस बालिका के साथ साथ हम तुम्हारी आत्मा का भी भक्षण करेंगे बालक। भक्षण 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 पकड़ लो इस बालक को। भक्षण 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 पकड़ लो दोस्त बालक को। कितने दूर गए? अच्छा बहुत दूर गए, दिखाई भी नहीं दे रहे। कपाली काका, मैं तुम्हारा भोजन नहीं मृत्यु हूँ, इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो गंगा को मुक्त कर दो। साहस और शक्ति से भरी हुई ये तुम्हारी आत्मा, ऐसी आत्मा तो हमें सहस्त्र वर्षों से नहीं मिली। तुम्हारी आत्मा का भक्षण करने में हमें अत्यधिक आनंद आएगा बोला। कपाली काका, कुछ आनंद आया? तुम्हारी शक्ति से तो लगता है कि तुम्हारी आत्मा की आयु अनंत है। तुम्हारी आत्मा का भक्षण करने के पश्चात हम अमर हो जाएंगे। यदि तुम दोनों पहले आ गए होते तो हमारी भोजन करने की सारी समस्या ही समाप्त हो गई होती। समस्या तो सदैव समाप्त होती है कपाली काका, और संसार के लिए समस्या आप है, इसलिए आज समाप्त आप होंगे। आज के पश्चात तुम किसी की भी आत्मा का भक्षण नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम जीवित ही नहीं रहोगे। क्या हुआ बालक, रुक क्यों गए? आओ हमारा अंत करो। इसने अपने भीतर 600 आत्माओं को समाहित कर रखा है। यदि आज मैंने इसका अंत कर दिया तो उन आत्माओं की मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। इन कपालियों का वध करने से संसार का अहित होगा, इसलिए उचित यही है कि इनका उद्धार हो, और यह केवल देवी गंगा ही कर सकती हैं। क्या हुआ बालक, हमारा वास्तविक रूप देखकर क्यों भयभीत हो गए? अथवा तुम्हारे शास्त्र में वो शक्ति ही नहीं है कि हम कपालियों का वध कर सको? क्षमा करें कपाली काका, अब मैं समझ गया कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता।
तो अपने भी कपाल किला के लिए तैयार हो जा बालक, क्योंकि हम अब एक साथ दोनों आत्माओं का भक्षण भक्षण करेंगे। पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.